दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है सदर्न रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है सदर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 790 असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बम्पर 234 वैकेंसी है। वहीं बाकी सारी वैकेंसी दोस्तों टेक्नीशियन 3 के लिए है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल पावर के लिए 21 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटनिंग के लिए 19 वैकेंसी है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी के लिए 12 वैकेंसी है, टीआरएस के लिए 96 वैकेंसी है, टीआरडीए के लिए 39 वैकेंसी है, सीएनडब्ल्यू के लिए 74 वैकेंसी है, डीएसएल मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है, डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है, सिग्नल के लिए 25 वैकेंसी है, सिग्नल के लिए 18 वैकेंसी है, टेली के लिए 20 वैकेंसी है, ब्लैक स्मिथ के लिए 8 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी है, ट्रैक मशीन के लिए 12 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बाकी की वैकेंसी नंबर आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, आईटीआई, क्लास 12th, डिप्लोमा, डिग्री या फिर बीएससी कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई इन वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर या फिर वायरमैन से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटनिंग की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिकल एसटी, एलटी इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर बात की जाए रेफ्रिजरेशन एंड एसी की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई कर रखा है, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के तौर पे, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल या टीआरएस की, तो इसके लिए आपका क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एसटी, एलटी इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग, फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट और कारपेंटर के तौर पर क्यों होना आवश्यक है। वहीं टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रीशियन टीआरडी के लिए आपका क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक एसटी, एलटी इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के तौर पे क्यों होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन 3 सीएनडब्ल्यू की, तो इसके लिए भी आपका क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई क्यों होना आवश्यक है, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर या पाइप फिटर के तौर पर। वहीं अगर बात कर लेते हैं डीएसएल मैकेनिक, तो इसके लिए भी आपका क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई क्यों होना आवश्यक है, फिटर, मैकेनिकल डीजल मैकेनिक, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर या पेंटर के तौर पर। वहीं अगर बात करते हैं टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए आपका क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई क्या होना आवश्यक है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पे। वहीं अगर बात कर लेते हैं सिग्नल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन 3 सिग्नल और टेली की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर या फिर 12th पास कर रखा है फिजिक्स और मैथ्स से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। टेक्नीशियन 3 ब्लैक स्मिथ के लिए क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई क्यों ना आवश्यक है, फॉर्जर और हीट ट्रीटर के तौर पे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्नीशियन 3 वेल्डर की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई कर रखा है, वेल्डर, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस कटर, स्ट्रक्चर वेल्डर, वेल्डर पाइप, वेल्डर टीआईजी, एमआईजी के तौर पे, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन 3 ट्रैक मशीन की, तो इसके लिए आपका क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई क्यों ना आवश्यक है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैकेनेट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर या मशीनिस्ट के तौर पे। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन 3 रिवेटर, कारपेंटर, मैसन और ब्रिज की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th के साथ साथ आईटीआई कर रखा है, रिवेटर, कारपेंटर, फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर, मैसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर या फिर फिटर या फिटर स्ट्रक्चरल वेल्डर के तौर पे, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर टेक्नीशियन 3 प्लम्बर या पाइप फिटर की बात करें, तो इसके लिए क्लास 10th आईटीआई क्या होना आवश्यक है, प्लम्बर या पाइप फिटर के तौर पे। जबकि वहीं अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जीएस, टीआरएस और टीआरडी की बात करें, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर CNW मैकेनिकल और DSL मैकेनिकल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मैकेट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल मशीनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टूल्स एंड मशीनिंग टूल्स एंड डाई मेकिंग ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर DSL इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिग्नल और टेली की, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से क्यों ना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर पीवे वर्क्स ब्रिजेस की, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा या फिर BSc इन सिविल इंजीनियरिंग से क्यों ना आवश्यक है। जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन के लिए आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से क्यों ना जरूरी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं गार्ड ट्रेन मैनेजर की, तो इसके लिए आपका डिग्री क्यों ना आवश्यक है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है 1 जनवरी 2024 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर एज रिलेक्सेशन की बात की जाए, तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, वहीं SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का एज रिलेक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 30 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 30 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।